रहेगी अपनी साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज फोर्स, इट्स इफेक्ट्स एंड इट्स टाइप्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज फोर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और उसके इफेक्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन अप्लाई फोर्स। फोर्स क्या होगा? एक पुश और पुल चीज है, मतलब किसी भी चीज को पुश करना और अपनी तरफ पुल करना, मतलब अपनी तरफ खींचना, दैट इज अ फोर्स। जैसे यहाँ पर नीचे फोटो में है, इस पिक्चर में क्या है कि ये दो बच्चे हैं, एक ये वुडन का बॉक्स है, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस वुडन के बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब उसे खींच के आगे लेके जा रहा है, और जो पीछे वाला बच्चा है उसे वो पुश कर रहे हैं, उसे भी आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन अप्लाई फोर्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स तो आपको पता है कि वो फोर्स अप्लाई करती है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कोई वॉल है हमारे घर में, वॉल क्या करेगी, अभी उसके वॉल के ऊपर हम फोर्स लगाई जा रहे हैं इस तरफ से, लेकिन वो वॉल मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो ये वॉल है उसने नीचे वाले सरफेस के साथ एक इंट्रैक्शन बनाई हुई है, मतलब एक प्रॉपर इंटरलॉक किया हुआ है नीचे वाली सरफेस के साथ, जिसे हम बोलते हैं रिजेस एंड ग्रूव्स। रिजेस एंड ग्रूव्स बोलते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, आपस में प्रॉपर इंटरलॉक कर लिए हैं, वॉल के सरफेस और नीचे वाला जो हमारा फ्लोर है उस सरफेस में, दोनों में आपस में ऐसे कुछ इंटरलॉक करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वॉल जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रही, और जो फोर्स हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो दोनों बैलेंस हो गई। यहाँ पर बैलेंस होने की वजह से यहाँ पर वो वॉल मूव नहीं कर पा रही और वो अपनी जगह पर ही स्टेबल है। नेक्स्ट है, टू अप्लाई फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, इंट्रेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ फोर्स इज नेसेसरी। किसी भी चीज के ऊपर आप फोर्स लगाने के से पहले उन दोनों चीजों का आपस में इंट्रेक्शन में होना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पर मान लें कि कोई बॉल है ग्राउंड पर पड़ी हुई है, हम अगर जाके उसे किक करेंगे तभी वो जाके उसके ऊपर एक किक करने के बाद फोर्स लगेगा, वो मोशन में होगी। अगर हम सिर्फ उसे दूर से खड़े देखते रहेंगे तो वो मूव नहीं करेगी, मतलब उनका इंट्रेक्शन में आना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ड्रेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होते हैं? द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर क्या, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पर और उसकी अमाउंट कितनी है, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। साइंस में जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो हमारे पास होती है उस चीज की क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ के साथ हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है, टू और मोर फोर्सेस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड इन द सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एक से ज्यादा फोर्सेस है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगा सकते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो और चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो किसी एक चीज के ऊपर हम दो से ज्यादा फोर्सेस लगा सकते हैं, इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। अब इस केस में देखते हैं कि हमने क्या किया है कि सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं। अब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक बच्चा है जो अपने स्कूटर पर बैठा हुआ है, तो दो बच्चे उसे पीछे से फोर्स लगा रहे हैं, एक का फोर्स है F1 और दूसरे का है F2। अब F1 कितने हमारे पास, 7 न्यूटन, और F2 कितने हमारे पास, 10 न्यूटन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक ही डायरेक्शन में एक चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगा हमारा, F1 प्लस F2। तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, 17 न्यूटन, जब हम एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले हमने देखा सेम डायरेक्शन, अब ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इसके ऊपर, बॉस के ऊपर इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी लग रहे हैं। मान लो कि अगर ये वाला लड़का है, पहला वाला, ये उसके ऊपर कुछ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस वाला भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इस केस में जब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस होती है तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमारा होता है 0, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ से 8 न्यूटन लग रहे हैं और यहाँ से 6 न्यूटन लग रहे हैं, तो बॉक्स हमारा किस साइड को मूव करेगा,
राइट साइड को, क्योंकि 8 न्यूटन है जो वो 6 न्यूटन के साथ बैलेंस करके, बैलेंस करने के बाद भी उसके पास 2 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स है, तो वो उस बॉस को राइट साइड मतलब इस लड़के की तरफ उसे पुश कर देगा। तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इज 2 न्यूटन। तो ये हमारे पास 2 न्यूटन उसका क्या आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, अब फोर्सेस के इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट चेंज कर सकते हैं, रेस्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब रेस्ट स्टेट क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दिस मीन्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो अपनी रेस्ट की पोजीशन में है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो किसी मोशन में नहीं है, जहां पर है वो वहीं पर स्टेबल है, दैट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक बॉल की, बॉल है वो ग्राउंड पर बैठी थी, सिंपल रेस्ट की पोजीशन में थी, हमने आकर उसे पैर से किक किया तो रेस्ट से वो मोशन में चली गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या, मोशन स्टेट। अब इसमें क्या होता है मोशन, अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग स्टेट में होगा, मूविंग पोजीशन में होगा, उसे हम मोशन स्टेट बोलेंगे। यहाँ पर जैसे फुटबॉल है, उसे किसी प्लेयर ने किक किया और फर्दर वो सेकंड प्लेयर है जो मोशन को मोशन में आ गई बॉल को रोकना चाहता है, तो वो आगे से आकर उसने अपने हाथ की हेल्प ली और उस बॉल को रोका। मतलब उसने मोशन वाली चीज को आगे से रोक लिया, मतलब मोशन से उसे कहाँ पर लेके आया, रेस्ट में। और यहाँ पर हमने क्या किया था, रेस्ट से मोशन में। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेगा। जैसे फर्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग की एग्जाम्पल है, इस स्प्रिंग की पहले शेप क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड सा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसे दोनों तरफ से पकड़ के उसे खींच लिया, मतलब दोनों तरफ से पुल कर दिया, तो उसकी शेप थोड़ी चेंज होगी। मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद उस स्प्रिंग की शेप चेंज हो रही है। सो यू कैन सी फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली एग्जाम्पल है हमारे पास एक बैलून की, जब फिर हम मान लो इसको रबड़ बैलून है, हमारे पास कोई रबड़ बॉल है, ये रबड़ की बॉल है, पहले इसकी शेप कुछ ऐसी स्फेरिकल सी है, फिर हमने दोनों तरफ से उसे बैलेंस फोर्स दे दिया, दोनों हैंड्स में उसे ऐसे प्रॉपर बैलेंस फोर्स मिल रहा है, तो उसकी शेप थोड़ी क्या हो रही है, कुछ फ्लैट सा लग रहा है अभी यहाँ पर हमें। तो मतलब दोनों तरफ से जब हम उसे इक्वली फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, उसकी शेप को चेंज कर रहा है, उस बैलून को थोड़ा फ्लैटर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हमारे पास फोर्सेस के टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है हमारा, फॉर कॉन्टैक्ट फोर्सेस इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी। मतलब किसी भी कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होनी बहुत जरूरी है। फोर्स दैट कम इन टू एक्शन आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जब उन दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन होने के बाद जो वहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स वहां पर एक आएगा, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स जैसे मैंने बताया वॉल की एग्जाम्पल लेके, वो नीचे वाले फ्लोर के साथ वो ऐसे रिजिड एंड ग्रूव्स के साथ इंटरलॉक कर लेगा, इंटरलॉक करने की वजह से वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। अगर हम उसे इस तरफ की तरफ से फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, जिसकी वजह से वो दोनों चीजें आपस को बैलेंस कर लेती हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो पाता। जैसे ये एक बंदा है क्या कर रहा है, किसी बॉक्स को पुश कर रहा है, लेकिन नीचे से यहाँ उसे क्या मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे उसने बॉक्स को टच किया है अपने हाथों की मदद से, उसे क्या कर रहा है, उसे पुश कर रहा है, तो दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, ये दो पर्सन है, ये दोनों के हाथ में ये रोप है और ये दोनों उस रोप को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इस रोप के ऊपर एक टेंशन प्रोवाइड हो रहा है, एक टेंशन सा आ रहा है, मतलब वो प्रॉपरली टेंस है, वो रोप है जो वो एकदम से खींची जा रही है, लेकिन ये दोनों पर्सन है उस रोप की हेल्प से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी,
तो उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, मतलब कोई भी चीज जो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले विदाउट मतलब विदाउट कमिंग इंटरेक्शन, मतलब उसके उसके इंटरेक्शन में आए बिना, उसे टच किए बिना, उसे हाथ लगाए बिना, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके लिए हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्दर हम इसको प्रॉपर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होते क्या है। सो फर्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, हमें पता है कि हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं, तो मैग्नेट्स हमारे कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। मान लो हमारे पास ये दो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। तो फर्स्ट इज द मैग्नेट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। ये तो हमने छोटे होते बहुत एक्टिविटीज भी की हुई है कि कोई भी मैग्नेटिक चीज है वो अपनी तरफ दूसरी मैग्नेटिक चीज को अपने आप ही अट्रैक्ट करती है, हम उसको पास में लाते भी नहीं है लेकिन फिर भी वो चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट इज ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। जो ऑपोजिट पोल्स होंगे मैग्नेट के वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो अनलाइक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे। मतलब मान लो यहाँ पर क्या, ये इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर सेम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर इसके पोल्स को हम क्या करें, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका ये साउथ और इसका नॉर्थ, तो ये दोनों आपस को क्या करेंगे, रिपेल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये आपस में टच में नहीं आएंगे। अगर ये दोनों ऑपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी है वो किसी अनचार्ज्ड बॉडी या फिर चार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई बैलून ले लिया, उस बैलून को हमने क्या किया, अपने हेयर्स के साथ रब कर रहे हैं, अपने हेयर्स के ऊपर बहुत सारा रब कर रहे हैं काफी देर, अबाउट 2 to 3 minutes हमने उसे अपने हेयर्स के ऊपर रब किया बैलून को। उसके बाद हमारे पास ये पेपर के छोटे छोटे पीसीज हैं, हम पीसीज के नियर अबाउट उस बैलून को लेके आए तो वो पीसीज क्या हो रहे हैं, उस बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब वो पीसीज क्या करेंगे, वो छोटे छोटे जो पीसीज पड़े हुए हैं वो बैलून की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर जाके चिपक रहे हैं, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। That means, जो बैलून है उसको तो हमने चार्ज किया था हेयर्स के साथ रब करके, उसके बाद जो पेपर्स है वो तो अनचार्ज्ड थे लेकिन चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें सभी को पता है, एक ग्रेविटी होती है अर्थ की, उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज है अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है, कोई भी चीज हो हम उसे फेंकते हैं तो वो नीचे ही जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, ये हमें पता है बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जर्टेड बाय अर्थ। अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो क्या करता है, सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम बैठ भी पा रहे हैं, चल भी रहे हैं और खड़े भी हो पा रहे हैं, दिस इज और ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटी के वजह से। Each and other planet attract all objects toward them, since Earth attract all the other objects without even coming in contact. Thus, the gravitational force is non-contact force. मतलब जो Earth है, वो हर किसी चीज के contact में आए बिना उन्हें सभी चीजों को अपनी तरफ attract कर रही है। वो किसकी वजह से कर रही है? Because of the gravitational force. क्योंकि उसमें क्या है? Gravity है। जैसे example ले देते हैं, when we release an object from a height. जैसे वो एक बच्चा है, वो चेयर के ऊपर खड़ा है, उसने चेयर के ऊपर खड़ा होकर बॉल को छोड़ दिया और दूसरे हाथ में उसके लीव है, उसने लीव को भी छोड़ दिया, इट फॉल्स ओवर द ग्राउंड। ये दोनों चीजें नीचे ग्राउंड की तरफ जाके गिरेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये दोनों चीजें हैं जो यहाँ से नीचे की तरफ आके गिरेगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो ये कोई भी चीज है, अगर हम उसे हाइट्स से जाके नीचे की तरफ फेंकेंगे, जब फिर हाइट्स से जाके ऊपर की तरफ, अगर ये हम बोलने की अगर ये बॉल है, एक बच्चा उसको ऊपर की तरफ फेंक देता, फिर भी इसने ऊपर की तरफ जाके घूम के नीचे की तरफ ही आना था। जितनी मर्जी हाइट्स से जाकर हम किसी चीज को छोड़ दें,
वो ऊपर से ऐसे घूम के नीचे ही आएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हमने डिस्कस कर लिया फोर्स के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में एंड उसके टाइप्स के बारे में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।